अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ अफजल है और आज मैं आपके साथ रबड़ी वाले दूध की रेसिपी शेयर करूंगा। आजकल दोस्तों गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा जगह जगह आपको ना स्टील वाले कूलर नजर आते हैं, चिलर नजर आते हैं। तो उस कूलर के अंदर, चिलर के अंदर जो रबड़ी वाला दूध बनाया जाता है, दूध बेचा जाता है, उसको किस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में बना सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और इंशाल्लाह दोस्तों ये दूध आपका इतना मज़ेदार बनेगा कि आप ये ढाबे वाले ये जो दूध है ना रबड़ी वाले, इसको भी भूलने वाले हैं। तो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और मुझे यकीन है कि जब भी आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो फिर बिना टाइम जाए कि ये चलते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों एक कप चीनी लेनी है आपने और इसको एक कढ़ाई के अंदर डाल के, जो कढ़ाई थोड़ी सी मोटे तले की हो, उसमें डाल के हल्की हल्की आंच इसके नीचे चला देनी है और आराम आराम से इसमें चम्मच चलाते रहना है। 3 से 4 मिनट के अंदर ना ये चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल पानी की शक्ल में आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से। और 1 लीटर दूध आपने अपने पास रख लेना है, दूध आपके पास रेडी होना चाहिए, क्योंकि दूध अगर आप पैकेट के अंदर होगा, पैकेट खोला नहीं, तो इतनी देर में ये चीनी जल जाती है, ठीक है। पहले आपने दूध तैयार करके रख लेना है, जैसे ही चीनी मेल्ट हो 1 लीटर दूध उठा के इसके अंदर डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके डाल लें, या चाहे मेरी की तरह एक ही साथ डाल दें। इस तरह से कुछ चीनी इसके अंदर जम जाएगी, आपने परेशान नहीं होना। तो जैसे ही दूध को उबाल आएगा ना, तो ये चीनी मेल्ट हो जाएगी। 3 से 4 मिनट में 5 मिनट में तेज़ आंच करके दूध को उबाल दिला लें। तो ये देखें दोस्तों, दूध के अंदर जैसे ही उबाल आया ना, इसके अंदर जो चीनी थी ये मेल्ट हो चुकी है। तो अब इसको पकने देते हैं, इधर ही छोड़ देते हैं और इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं वो शामिल कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरे पास 125 ग्राम खोया, ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। खोया बनाने का तरीका मैं अपने चैनल पर आपको बता चुका हूँ, आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो खोया बनाने की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आधा कप चीनी का इसके अंदर मैं और शामिल कर रहा हूँ। याद रखिएगा, ये जो रबड़ी वाला दूध होता है ना, इसके अंदर मीठा आपको तेज़ रखना होता है, उसकी क्या वजह है वो मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। 2 सब्ज़ी इलायचियाँ इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं खुशबू के लिए। तो सब्ज़ी इलायचियाँ खोए के साथ इस दूध को कोई 5-7 मिनट पकने देते हैं, जब तक कुछ और सेटिंग है वो करते हैं। तो 4 चम्मच दोस्तों मैं ले रहा हूँ वनीला कस्टर्ड पाउडर। आपने देखें, अगर आप ये रबड़ी वाला दूध बनाना चाह रहे हैं ना, तो आपने वनीला कस्टर्ड पाउडर ही लेना है, क्योंकि इसका जो कलर है ना, ये रबड़ी वाले दूध के साथ मैच हो जाता है, ठीक है। तो 4 चम्मच इसके अंदर वनीला कस्टर्ड पाउडर और तकरीबन 1 कप पानी, यानी कि 200 ml पानी के साथ इसको हल कर लें। और इसको दोस्तों अब कर देंगे साइड पे, और एक और चीज़ है वो लेते हैं। तो 2 चम्मच दोस्तों मैं ले रहा हूँ तुखमे बलंगा, और इसको 1/2 कप पानी के अंदर भिगो के इसको भी साइड पे कर देते हैं, क्योंकि ये भी इस रेसिपी के अंदर हमें चाहिए होगा। और एक और चीज़ है जिसको तकरीबन 4 घंटे से मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है और वो सेहत के लिए इतनी फ़ायदेमंद है, तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। तो ये देखिए, खोया ऐड करने के बाद कोई 5 से 7 मिनट तक इस दूध को हमने पकाया था, अब उठा के इसके अंदर ऐड कर देते हैं दोस्तों ये जो कस्टर्ड पाउडर है ना ये। तो जब भी आपने दूध के अंदर कस्टर्ड पाउडर डालना है, तो उस टाइम आंच को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, वरना होगा ये कि इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। तो कस्टर्ड पाउडर दूध में डालने के बाद 4 से 5 मिनट आप इसको पका लें मीडियम आँच पर, ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है ना वो इसमें से ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों पहले जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमें चीनी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, वो क्यों ज़्यादा रखनी है, उसकी वजह यह है कि एक तो इसके अंदर हमने कस्टर्ड शामिल किया, तो कस्टर्ड के साथ भी पानी था 1 कप, ठीक है। दूसरा, ये जब दूध हमारा तैयार हो जाएगा, इसको ठंडा करने के लिए हमने बर्फ़ का इस्तेमाल भी करना है, तो इसलिए अगर इसमें चीनी ज़्यादा होगी तो बाद में आगे चल के इसके अंदर आपको मीठा कम नहीं लगेगा। चलिए जी, कस्टर्ड इसमें ऐड करने के बाद कुछ तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको मैंने पका लिया था। अब इसको दोस्तों मैं चूल्हे से नीचे उतार रहा हूँ, और नीचे उतार के इसको एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और अब इसको ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगा पंखे के नीचे। जैसे ठंडा होगा, अगला प्रोसेस फिर आपको बताऊँगा क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करनी है। और जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है जो इसके अंदर मैं शामिल करूँगा, उसको आपने ज़रूर नोट करना है, ठीक है। तो इसको दोस्तों छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखें दोस्तों, दूध जो है ये हमारा हो गया है ठंडा, तो इसको अभी मैं कर रहा हूँ साइड पर। और ये है गूंद कतीरा, तो 2 चम्मच आप गूंद कतीरा ले लें, अगर मोटा हो तो उसको बारीक कर लें, बारीक करके इसको तकरीबन 1 कप पानी के अंदर भिगो के रख दें,
4 घंटे आप इसको पानी में भिगो के रखेंगे ना, ये इस कंडीशन में आ जाएगा। और गूंद कतीरा दोस्तों सिर्फ आप इस दूध को तो छोड़ दें, गूंद कतीरा और तुख बलंगा जो है इसको सिर्फ आप पानी के अंदर हल करके पियेंगे ना, तो जो हड्डियों के जोड़ों के बीच के अंदर जो गूदा होता है ना, ये गूदे को बनाने में बहुत काम करता है। और अगर आपकी हड्डियों के अंदर से आवाज़ें आती हैं ना जोड़ों के अंदर से, तो आप गूंद कतीरा थोड़े से टाइम के लिए पी लें तो इंशाल्लाह आपके जोड़ों के अंदर से जो आवाज़ें आना है ना वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, पूरे जिस्म के जोड़ों के अंदर जो गूदा होता है ये उसको बनाता है, ठीक है। और जैसे आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में आप इसको इस तरीके से पानी के अंदर हल करके भिगो के रखेंगे और फिर इसको पियेंगे ठंडे दूध में डाल के या पानी के साथ ही पी लें, फिर भी दोस्तों ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो गूंद कतीरे को दोस्तों मैंने थोड़े से दूध के साथ जूसर के जग में डाल के हल कर लिया है। अब गूंद कतीरा इसमें डाल देते हैं। देखें गूंद कतीरे से एक तो ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा और जैसे मैंने आपको बताया है ना गूंद कतीरे के फ़ायदे, तो ये फ़ायदेमंद भी रहेगा। दूसरा इसके अंदर जो तुख में बलंगा था ये भी इसमें शामिल कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये शरबत बनाएंगे, मैं यकीन से दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि एक तो ये टेस्ट भी बहुत बनता है और दूसरा सबसे ख़ास चीज़ जो है वो ये है कि ये हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, एक मरतबा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और गूंद कतीरे का आपने इस्तेमाल लाजमी करना है। पंसारी की दुकान से 50 रुपये का भी आपको मिल जाता है, 50 रुपये का भी आप ले लेंगे काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो ये एक बाउल के अंदर ज़्यादा हो गया था तो थोड़ा सा मैंने दूसरे बर्तन में इसको निकाल लिया है, क्योंकि इसके अंदर हमने बर्फ़ भी शामिल करनी थी। तो इस तरीके से इसके अंदर बर्फ़ शामिल करें और इस तरह से इसके अंदर ढेर सारी बर्फ़ डाल के बिल्कुल ठंडा चिल्ड करके इसको पिएं। क्योंकि दोस्तों देखें बाज़ार के अंदर जो इस तरह का रबड़ी वाला दूध बनाया जाता है ना, आपको भी पता है कि वो हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। और एक चीज़ जो आप घर में बना रहे हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से सारी चीज़ें इसमें सही लेकर सही शामिल करके, तो ये हमारी सेहत के लिए भी कितने फ़ायदेमंद हैं और टेस्ट भी कितना बनेगा। तो इस तरीके से ये रेसिपी एक मरतबा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालदेन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।